हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी एट गौर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रो कॉम्पाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो एल्केन्स होते हैं वे रंगहीन यानी कलरलेस और तीखी गंध वाले क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन है यह पीले रंग का द्रव है, जिसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो कड़वे बादाम जैसी होती है। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे, जो नाइट्रो एल्केन होते हैं वे तो जल में अल्प विलयशील हैं, पार्शियल सॉल्युबल हैं, लेकिन जो नाइट्रोबेंजीन है ये जल में अविलयशील हैं, इनसॉल्युबल हैं। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यह है कि जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं इनके जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है, वो 3 से 4 डिवाइड होता है। और क्योंकि ये जो मान है ये उच्च होता है, इसलिए इनके अणुओं के मध्य क्या लगेगा, इनके अणुओं के मध्य लगेगा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो क्या बताया कि इसका मान उच्च होगा, उससे होगा क्या, उससे इनके अणुओं के मध्य लगेगा स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शन। और जो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा उसे होगा क्या कि इनके जो बॉलिंग पॉइंट होंगे, इनके जो क्वथनांक होंगे नाइट्रो यौगिकों के, उनके क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके कंपेयर में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। तभी हम कहते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके कंपेयर में जो नाइट्रो कंपाउंड होंगे, नाइट्रो यौगिक होंगे, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है, क्वथनांक के जो मान होते हैं, इससे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन के कारण से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रो एल्केन और जो नाइट्रो एरीन होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो रिएक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं वह केमिकल रिएक्शन है अपचयन यानी रिडक्शन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अपचयन है, रिडक्शन की जो क्रिया होती है, ये क्या होती है, रिडक्शन जो होता है ये यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न पदों में होता है। पहली बात तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये क्या होगा कि विभिन्न पदों में होता है रिडक्शन। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, अंतिम उत्पाद होगा, वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस पर, वो डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी एक तो अपचायक की प्रकृति पर और दूसरा डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन का जो माध्यम है उन पर डिपेंड करेगा, और एक डिपेंड करेगा किस पर, अपचायक की प्रकृति पर। इन दोनों पर डिपेंड करता है कौन, इसके द्वारा बनने वाला एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ देखिए कि जो विभिन्न पदों में जो अपचयन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिया, यहाँ लिखा है मैंने R, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम कहते क्या है, ये कंपाउंड तो होता है नाइट्रो एल्केन। अब जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन लिया है, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्वाइस एच लेकर इसका आप यहाँ करेंगे अपचयन। और जब आप यहाँ पे ट्वाइस एच लेकर अपचयन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ दो एच आपने लिए हैं, दो एच आ जाएंगे इस वाले ओ के पास, और ये ओ के पास जाकर ये तो देखिए आप यहाँ पर ये निकालेगा क्या, इस रिएक्शन में ये तो निकालेगा क्या, जल के अणु को। अब देखिए पीछे बचा क्या, पीछे आपको यहाँ मिलेगा आर, ये हो गया एन, और यह हो जाएगा डलवांड ओ। ये आपको यहाँ मिला आर,
एन डलवर्ड ओ, और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है नाइट्रोसो एल्केन। ये आपको प्राप्त होगा इस प्रकार से। अब जो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हुआ है नाइट्रोसो एल्केन, इस नाइट्रोसो एल्केन का भी अब आप क्या करेंगे, इसका भी आप आगे कराओगे 2H लेकर, ट्वाइस H लेकर रिडक्शन। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे, एक H तो आ जाएगा इस वाले N के पास, एक H आ जाएगा इस वाले O के पास, और ये हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। और देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा R, N के पास एक H आ गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, O के पास भी एक H आ गया। और ये जो आपको मिल रहा है इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है यहाँ पर क्या, एल्केल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा, नाम क्या बताया मैंने आपको, एल्केल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब जो यहाँ पर ये बना हुआ एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसका फिर आगे आप यहाँ पर ट्वाइस एच लेकर आप कराएंगे इसका रिडक्शन। अब आप जानते हैं यहाँ पर आपने दो एच लिए हैं, एक आ जाएगा इस वाले एन के पास, एक आ जाएगा इस वाले ओ के पास। अब होगा क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड तो ब्रेक करेंगे आप इस प्रकार से, तो ये तो यहाँ पर क्या निकालेगा एच टू ओ, तो ये यहाँ पर निकलेगा एच टू ओ, और जो आपको यहाँ मिलेगा ये क्या हो जाएगा आर, और ये हो गया यहाँ पर एन एच टू, और जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये होगा क्या, ये होगा वन डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेप में विभिन्न पदों में यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लास्ट में जो आपको मिल रहा है वो क्या है, वन डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन आपको यहाँ पर प्राप्त होती है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन के द्वारा। यहाँ पर जो बात रखने याद रखेंगे आप, वो ध्यान रखेंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा अपचायक जो आप लेंगे उसकी प्रकृति पर, और दूसरा डिपेंड करेगा जो अभिक्रिया का जो माध्यम है वो आपने क्या लिया है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा इस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो नाइट्रो कंपाउंड है उनके डिफरेंट मीडियम में रिडक्शन के बारे में, अपचयन के बारे में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय माध्यम में अपचयन यानी रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब आप एसिडिक मीडियम लेंगे तो यहाँ पर आप अपचायक रूप में SN प्लस HCl या आप काम में लोगे किसको Fe प्लस HCl, इनको आप यहाँ पर काम में लेंगे अपचायक के रूप में एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में। और जब आप नाइट्रो कंपाउंड का कराओगे आप एसिडिक मीडियम में रिडक्शन तो आपको मिलेंगी वन डिग्री एमीन। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप को, तो जो कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम होता क्या है, इसका नाम है नाइट्रो मैथेन। और जो आपने यहाँ पर ये नाइट्रो मैथेन लिया है इसका कराओगे आप यहाँ पर रिडक्शन एसिडिक मीडियम में तो आप यहाँ पर लेंगे क्या 6H लेंगी। अब देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, मैंने अभी बताया कि इस रिएक्शन में जो अपचायक रूप में काम में लोगे वो क्या लोगे, या तो लोगे आप SN प्लस HCl काम में लोगे या फिर आप काम में लोगे किसको Fe प्लस HCl को काम में लोगे अपचायक के रूप में। अब देखिए आपने यहाँ पे 6H लिए हैं, दो आ जाएंगे इस वाले O के पास H, दो आएंगे इस वाले O के पास और दो आ जाएंगे इस वाले N के पास। अब जो O के पास जाएंगे वो तो देखिए क्या निकालेंगे H2O, ये भी यहाँ पर क्या निकालेगा, ये भी यहाँ निकालेगा क्या H2O, और इनके पास आप दो H जोड़ेंगे तो कुल मिला के इस रिएक्शन में दो तो निकलेंगे जल के अणु, और पीछे क्या बचा यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CH3 और N के पास आपने दो H जोड़ दिए, जो यहाँ बना है ये हो जाएगा मैथेनामीन, या हम बोलते हैं इसको मैथिल एमीन। जो किस प्रकार की एमीन है, यह एक वन डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है। बिल्कुल सिमिलर देखो यहाँ पर मैंने अब ये कंपाउंड लिया है मैंने नाइट्रोबेंजीन,
बेंजीन रिंग के ऊपर आपने यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया, और आप जानते हैं जो ये कंपाउंड यहाँ लिया है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। इसका भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, 6H लेकर कराएंगे आप यहाँ पर एसिडिक मीडियम में रिडक्शन। तो यहाँ पर जो आप काम में लेंगे रियूजिंग एजेंट, क्या लोगे आप, बता रखा है मैंने, SN प्लस HCl लेंगे, या लोगे आप यहाँ पर क्या Fe प्लस HCl। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा, दो आ जाएंगे एच इस वाले O के पास, दो आ जाएंगे इस वाले O के पास, और दो आप भेज देंगे इस वाले N के पास, और जो O के पास जाएंगे वो तो निकालेंगे क्या, वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव करेंगे। यानी इस केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे कुल मिलाकर दो निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब पीछे आपको मिलेगा क्या, ये तो होगी आपके यहाँ पर क्या बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इसमें एन के पास आपने दो एच जोड़ दिए, और जो कंपाउंड आपको यहाँ पर ये मिला है इसका नाम है एनिलीन। और ये कैसी एमीन है, यह एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब एसिडिक मीडियम में आप कराएंगे रिडक्शन नाइट्रो कंपाउंड का, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, तो यहाँ जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो आपको 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन आपको प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन माध्यम में नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन के बारे में। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब आप न्यूट्रल मीडियम लेंगे तो यहाँ पर एज ए रियूजिंग एजेंट आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप जिंक के साथ आप काम में लोगे अमोनियम क्लोराइड को। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि न्यूट्रल मीडियम में एज ए रियूजिंग एजेंट क्या लोगे, जिंक के साथ अमोनियम क्लोराइड को हम काम में लेंगे। और इस रिएक्शन में, इस मीडियम में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन जो होगी न्यूट्रल मीडियम में किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ये लिया CH3, यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप को, और आप जानते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रो मैथेन। और जो ये नाइट्रो मैथेन है इसका कराओगे आप रिडक्शन, तो यहाँ पर आपने क्या किया 4H लिए। ध्यान रखेंगे एसिडिक मीडियम में 6H और यहाँ न्यूट्रल मीडियम में आपको 4H लेनी है। अब अभी आपको मैंने बताया कि इस न्यूट्रल मीडियम में एज रियूजिंग एजेंट आप क्या काम में लोगे, जिंक के साथ आप काम में लेंगे अमोनियम क्लोराइड को। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर आपने कितने एच लिए हैं, 4, तो दो तो भेज देंगे आप इस वाले ओ के पास, और जो ओ के पास आप भेजेंगे दो को वो तो वहां पर निकालेगा क्या, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा। अब कितने बाकी रह गए, दो रह गए, एक भेजेंगे इस वाले ओ के पास, एक इस वाले एन के पास, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर आप देखेंगे इस रिएक्शन में निकला कौन, एक निकला वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो पीछे क्या बचा, यहां पर ये हो गया CH3, एन के पास आ गया 1H, यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड, ओ के पास क्या आ गया 1H आ गया। अब आप देख रहे नाम देखेंगे तो एन से लगा हुआ मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एन मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा एन मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसी प्रकार देखोगे आप यहां पर मैंने ये नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, अब बेंजीन रिंग, और जो ये कंपाउंड लिया है इसकी रिंग पर मैंने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। अब आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर जब नाइट्रो ग्रुप को आप लगाएंगे तो वो कंपाउंड होता कौन सा है, उसका नाम होता है नाइट्रो बेंजीन। अब जो नाइट्रो बेंजीन आपने यहाँ लिया है, अब आप यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर आप 4H लेंगे। अभी आपको बताया मैंने रिड्यूसिंग एजेंट न्यूट्रल मीडियम में क्या लोगे, जिंक के साथ आप काम लेंगे अमोनियम क्लोराइड को। रिएक्शन का जो मेथड है सेम रहेगा जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, तो दो तो आ जाएंगे इस वाले ओ के पास, जो ओ के पास जाएंगे दो एच वो तो निकालेंगे क्या H2O, एक भेजोगे इस ओ के पास, एक एच आएगा इस वाले एन के पास, चारों एच आपके काम में आ गए। तो इस रिएक्शन में निकला क्या,
एक निकला वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए पीछे बचा क्या, ये तो आपका हो गया बेंजीन रिंग, और रिंग से लगा हुआ क्या है एन, एन के पास आ गया एक एच, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ओ के पास भी क्या आ गया एक एच आ गया। इसका नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा एन। अब आप जानते हैं ये ग्रुप होता है फेनिल, तो ये हो गया एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये आपको यहां पर प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपने एसिडिक मीडियम में लिया तब तो आपको मिली 1 डिग्री एमीन, और जब आपने यहां पर न्यूट्रल मीडियम लिया और रिड्यूसिंग एजेंट ग्रुप में आपने इसको काम में लिया तब आपको हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होती है एज ए प्रोडक्ट। अब यहां पर हम बात करेंगे क्षारीय माध्यम यानी एल्कलाइन मीडियम में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे क्षारीय माध्यम में जो प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा इस पर कि जो आपका अपचायक है उसकी प्रकृति पर। तो यहां देखो तीन प्रकार के जो रिड्यूसिंग एजेंट है अपचायक है उनको हम काम में लेते हैं। एक तो हम काम में लेंगे यहां पर किसको, ग्लूकोज के साथ आप काम में लोगे किसको NaOH को काम में लेंगे। दूसरा जो आप यहां पर काम में लेंगे वो लोगे आप जिंक के साथ आप काम में लोगे NaOH को, लेकिन जो आप यहां पर NaOH लोगे वो कैसा लोगे आप एल्कोहलिक लोगे। और तीसरे प्रकार का जो अपचायक काम में लेंगे वो लोगे आप जिंक के साथ NaOH को, लेकिन जो आप यहां पर NaOH लेंगे ये कैसा लोगे आप यहां पर एक्वस लोगे जलीय लोगे। इन तीन प्रकार के अपचायक को हम लेंगे किसमें, क्षारीय माध्यम में एल्कलाइन मीडियम में। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज के साथ जब आप NaOH लेंगे तो यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया यहां पर, सबसे पहले आप यहां पर नाइट्रोबेंजीन के दो मोल लेंगे। ये आपने देखो लिया, ये आपने यहां ले लिया सबसे पहला मोल नाइट्रोबेंजीन का। अब आपने क्या किया यहां पर, यहां आपने अब आपने नाइट्रोबेंजीन का दूसरा मोल ले लिया, ये बेंजीन रिंग, ये हो गया एन, यहां लगा लिया आपने डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये हो गया ओ। तो दो अणु लिए हैं आपने किसके, नाइट्रोबेंजीन के। और आपने यहां पर क्या किया, साथ में लिखे क्या 6 ले लिया आपने यहां पर क्या एच। अब आपको ध्यान है कि जो आप यहां पे काम में लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहला कौन काम में लोगे आप, सबसे पहले आप ले रहे हो किसको, ग्लूकोज के साथ आप लोगे किसको NaOH को काम में लेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहां रिएक्शन जो होगी किस प्रकार से होगी, तो यहां पर आप देख रहे हैं 6H आपने लिए हैं, दो आप भेजेंगे इस O के पास, दो आप भेजेंगे इस O के पास और दो आप भेज देंगे इस O के पास। तो कुल मिला के आप देखोगे कि जो O के पास जाएंगे वो तो बताओ निकालेंगे क्या, वो तो निकालेंगे H2O। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे कुल मिलाकर होगा क्या, 3 तो निकलेंगे क्या वाटर मॉलिक्यूल, 3 निकलेंगे जल के अणु, थ्राइस H2O, ये आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। अब देखिए आप यहाँ पे बाकी बचा क्या, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा ये तो होगी आपके यहाँ पर बेंजीन रिंग, ये लिखी आपने, यहां लगा हुआ कौन है ये N, ये लगाओ यहां पर N, N से लगाओ कौन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लगा दिया आपने यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये क्या हो गया आपका O। अब देखिए यहां पे क्या बचा, बेंजीन रिंग से लगा हुआ N, तो मैंने यहां लग दिया ये हो गई आपके यहां पर बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है इससे लगा दिया मैंने यहां पर क्या N। अब आप देख रहे हैं कि ये बॉन्ड ये निकला यहां से, तो यहां पे जो नाइट्रोजन और ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में आप यहां पर क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे, और जो कंपाउंड आपको यहां पे मिलेगा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एजॉक्सी बेंजीन, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। क्या बताया मैंने, एजॉक्सी बेंजीन, ये आपको मिलेगा, कब मिलेगा जब आप एज रिड्यूसिंग एजेंट काम लोगे ग्लूकोज के साथ NaOH को, और मीडियम कैसा होगा एल्कलाइन। अब अगर आप जिंक के साथ NaOH काम में लें कैसा एल्कोहलिक, तो देखिए यहां जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, तो यहां देखोगे आप वापस आप क्या करेंगे, आप यहां पर वापस नाइट्रोबेंजीन के दो मोल लेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट मोल नाइट्रोबेंजीन का, यहां लिया आपने अब क्या नाइट्रोबेंजीन का दूसरा मोल, ये बेंजीन रिंग,
यहां लगा दिया एन, ये हो गया डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हो गया ओ। दो अणु आपने लिए हैं किसके, नाइट्रोबेंजीन के, यहां आपने सिक्स लिए थे। अब आप यहां पर लोगे क्या, एट एच काम में लोगे आप। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है, अब क्या काम में लेंगे आप, यहां पर वो देखिए, ये आप लोगे जिंक के साथ आप लोगे NaOH को, लेकिन जो NaOH लोगे ये कैसा लोगे आप, यहां पर ALC यानी एल्कोहलिक NaOH लोगे। अब देखिए यहां पे रिएक्शन होगी कैसे, आठ आपने लिए हैं और चार O हैं, तो प्रत्येक O के पास आप क्या करेंगे, दो दो H को आप भेज देंगे, और जो O के पास जाएंगे, अब आप देखेंगे यहां पर ये निकालेगा H2O, ये भी निकलेगा H2O, ये भी निकालेगा क्या H2O, और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में भी ये क्या निकालेगा H2O। तो कुल मिलाकर आप देखोगे इस रिएक्शन में ये निकालेगा 4H2O। अब देखिए यहां पर पीछे बचा क्या, पीछे आप देखोगे बेंजीन रिंग N, और यहां पर भी आप देखोगे क्या बचा है, बेंजीन रिंग N, तो ये हो जाएगा यहां पर क्या, देखिए बेंजीन रिंग, और यहां लगा हुआ कौन है N, यहां पर भी क्या बचा देखिए, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से लगा हुआ कौन है यहां पर N। अब जो ये दोनों नाइट्रोजन हैं इनके बीच में आप लगा दोगे क्या डबल बॉन्ड, और जो आपको यहां पर प्राप्त होगा इसका यहां पर नाम हो जाएगा क्या, एजो बेंजीन, ये यहां पर आपको प्राप्त होगा एज ए प्रोडक्ट। नाम क्या बताया मैंने आपको इसका, एजो बेंजीन। अब इस रिएक्शन में हम काम में लेंगे तीसरे प्रकार का अपचायक, कौन सा है, जिंक के साथ NaOH, लेकिन जो आप यहां पर NaOH काम में लेंगे वो कैसा होगा, एक्वस यानी जलीय। तो देखिए यहां पर भी क्या किया मैंने, यहां पर भी आप नाइट्रोबेंजीन के दो मोल लेंगे, ये बेंजीन रिंग, यहां लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को, ये हो गया पहला अणु। यहां पर देखो लिया वापस आपने बेंजीन रिंग, और जो ये बेंजीन रिंग है यहां पर भी लगा दिया आपने नाइट्रो ग्रुप को, और आप देख रहे हैं कुल मिलाकर आपने क्या किया, दो लिए हैं नाइट्रोबेंजीन के अणु, यहां पर आपने आठ लिए थे, अब आप यहां पे 10H काम में लेंगे। अब यहां पर जो आप काम में लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या काम में लोगे, जिंक के साथ आप लेंगे NaOH, लेकिन जो आप यहां पर NaOH काम में लोगे वो कैसा लोगे, एक्वस यानी जलीय लोगे। अब देखो रिएक्शन होगी कैसे, 10 लिए हैं तो दो तो गए इस O के पास, दो इस O के पास, दो इस वाले O के पास, दो इस वाले O के पास, अब आप देखेंगे कुल मिलाकर 8H काम में आ गए, अभी भी दो बाकी हैं, तो एक आप भेजेंगे इस वाले N के पास, एक इस वाले N के पास, और जो O के पास गए हैं वो तो देखिए निकालेंगे क्या, वो तो निकालेंगे क्या H2O। तो कुल मिला के इस रिएक्शन में भी आप यहां पर देखेंगे ये निकालेगा क्या, ये यहां निकालेगा 4H2O। आप देखिए यहां पे बचा क्या, ये हो गया यहां पर क्या बेंजीन रिंग से लगा हुआ कौन है N, यहां पर भी क्या बचा है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से देखिए आप यहां पर लगा हुआ कौन है N। अब जो ये नाइट्रोजन है जो आप देख रहे हो इस N से बताओ आप जोड़ेंगे किसको, आप यहां पर H जोड़ेंगे, यहां पर क्या जोड़ेगा एच, तो N से आपने क्या किया H को जोड़ दिया, यहां पर भी जोड़ दिया आपने H को, तो दोनों N के बीच में क्या आ जाएगा केवल सिंगल बॉन्ड। अब जो यहां पर ये आपको प्राप्त होगा ये होगा क्या, देखिए हो जाएगा हाई ड्रा एजो बेंजीन, ये यहां पर इसका नाम हो जाएगा हाइड्रेजो बेंजीन, ये आपको यहां पे प्राप्त होगा ये प्रोडक्ट। और आप देख रहे हैं किस रिएक्शन में, इस मीडियम में तीनों जो आपने अपचायक लिए हैं उनके द्वारा नाइट्रोबेंजीन रियूज होके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन करता है एल्कलाइन मीडियम में, क्षारीय माध्यम में। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटन अपचयन के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में, और आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोबेंजीन होता है यह दुर्बल अम्लीय माध्यम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से देता है एनिलीन, जबकि प्रबल अम्लीय माध्यम में जो नाइट्रोबेंजीन है वह इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से पैरा एमिनोफिनोल निर्मित करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे
दुर्बल अम्लीय माध्यम में। तो देखो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, ये आपने यहाँ ले ली बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। अब आप जानते हैं इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन। और जो आपने यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन लिया है, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पर आप करेंगे क्या, 6H लेंगे। लेकिन आप यहाँ पर 6H लेकर आप यहाँ पे कराएंगे क्या, आप यहाँ पर कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसे हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अपचयन। और यहां पर जो आप माध्यम रखेंगे, ये क्या रखोगे आप यहां पर, ये ध्यान रखेंगे आप यहां पर दुर्बल अम्लीय माध्यम आप यहां पर लेंगे, वीक एसिडिक मीडियम आप यहां पर रखेंगे, इस बात का आप यहां पर रखेंगे ध्यान। अब देखिए यहां जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहां पे किस प्रकार से होगी, तो आप देखेंगे यहां पर मैंने 6H लिए हैं, दो आ जाएंगे इस वाले O के पास, दो जाएंगे इस वाले O के पास, और दो आ जाएंगे इस वाले N के पास। तो कुल मिला के 6H आपने काम ले लिए, और जो O के पास गए हैं आप जानते हैं वो तो क्या निकालेंगे, H2O। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये तो निकालेगा ट्वाइस H2O, और आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये तो हो जाएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर N के पास आप 2H को जोड़ देंगे, तो जो आपको यहाँ मिलेगा इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा एनिलीन। तो कहने का अर्थ ये जो एनिलीन आपको मिलेगी, ये काम कब मिलेगी आपको, वीक एसिडिक मीडियम में, जब आप कराओगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में, तो देखिए आप वहाँ रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिया, नाइट्रोबेंजीन, ये लिया आपने बेंजीन रिंग, इस रिंग के ऊपर आपने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप को आपने यहाँ लगा दिया। और जो ये कंपाउंड होता है आप जानते हैं इसको हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। अब जो ये नाइट्रो बेंजीन है यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर अब आप काम मिलेंगे क्या, 4H काम मिलेंगी। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी बता रखा है यहाँ पर आपकी कौन सी होगी, यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन होगा। अब होगा क्या, यहाँ जो माध्यम लोगे आप, ये कैसे लोगे आप, यहाँ पर आप लेंगे प्रबल अम्लीय माध्यम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आप यहाँ पर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर आपने 4H लिए हैं, तो दो तो जाएंगे इस वाले O के पास जाएंगे H, और जो H O के पास जाएंगे आप जानते हैं वो तो निकालेंगे क्या, ये तो निकालेगा H2O, 2H काम में आ गए। अब कितना रह गए, दो, एक आप भेजोगे N के पास, एक आप भेजोगे O के पास। अब जब एक जाएगा N के पास, एक जाएगा O के पास, तो देखिए यहाँ जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकला क्या, एक निकला वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ क्या मिला आपको, ये बेंजीन रिंग। अब आप देखेंगे ऊपर क्या लगा, यहाँ पर ये N के पास एक H आ गया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, O के पास क्या आ गया, एक H आ गया। ये नाम क्या है इसका, इसका नाम है N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब जो यहाँ पर ये आपको प्राप्त हुआ है N फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, इसमें आप जानते हैं यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है एक H। अब जो ये बना है ये यहाँ पे होगा क्या, ये यहाँ पर होगा पुनर्विन्यासित होगा, रीअरेंज होगा। और देखिए आप यहाँ पे ये रीअरेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा वो ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो H आप देख रहे हैं, H जाएगा इस वाले N के पास, और जो OH आप देख रहे हैं ये आएगा वहां पर जहां से H गया है। तो देखिए चेंज क्या हुआ फिर यहां पर, तो आप देखेंगे जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर N के पास एक H है, एक H और आ गया, तो ये तो यहां पे हो गया क्या NH2, और यहां जो OH ग्रुप है ये आ गया पैरा पोजीशन पे, तो यहां लगा दिया आपने क्या OH। और आप जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग पर OH लगा होता है वह होता है फिनोल, और ये लगा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, तो इसका यहां पे नाम क्या हो जाएगा,
पैरा एमिनो फिनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में जब आप यहाँ पर वीक एसिडिक मीडियम लेंगे तब तो आपको मिलेगा एनिलीन, और जब आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेंगे तो वो रीअरेंज होके क्या देगा, पैरा एमिनोफिनोल का निर्माण करेगा। अब यहाँ पर जो सेकेंड रिएक्शन है जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो प्राइमरी यानी 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन होते हैं वो सांद्र HCl या 85% लोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा क्या हो जाएंगे हाइड्रोलाइज, और वो क्या देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन का निर्माण करते हैं। कौन? 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ये लिखा मैंने यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप को लगा दिया। तो जो ये कंपाउंड आपने लिया है इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रो एथेन, और आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप के पास वो कार्बन क्या है, अल्फा, दो अल्फा एच है, तो ये कैसा है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है। इसका कराओगे आप यहाँ पे जल अपघटन, प्लस कर दिया आपने यहाँ पर क्या H2O। अब जो आप यहाँ पर लेंगे जिसकी प्रेजेंस में कराओगे आप क्या लोगे, आप या तो लोगे आप यहाँ पर HCl और या लोगे आप यहाँ पर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल 85% H2SO4, और करेंगे क्या आप जानते हैं इनको आप यहाँ पर हीट करेंगे गर्म करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, इसमें दो कार्बन है तो यहाँ पर आपको एक तो मिलेगा दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप जानते हैं ये नाम होता क्या है, इसका नाम है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और साथ में क्या देगा, साथ में इस रिएक्शन में आपको मिलेगा NH2OH जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, ये इसका नाम है। क्या नाम बताया इसका मैंने आपको, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये तो रिएक्शन होगी किसके साथ, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ। इसी रिएक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, द्वितीयक नाइट्रो एल्केन जो होते हैं उनको उच्च ताप पर HCl के साथ गर्म करने पर यह प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में कीटोन का निर्माण करते हैं, कीटोन देंगी। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया CH3, ये हो गया CH, यहाँ लगा दिया मैंने CH3 और यह हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप। अगर आप नाम लिखेंगे 1 2 3, 2 पे नाइट्रो ग्रुप है तो उसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो प्रोपेन, ये इसका नाम है। और आप जानते हैं नाइट्रो ग्रुप के पास वो कार्बन अल्फा, एक अल्फा एच है, तो किस प्रकार का ये 2 डिग्री प्रकार का नाइट्रो एल्केन है। अब जो यहाँ पर आपने लिया है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, इसको आप यहाँ पे करेंगे क्या, इसको आप यहाँ पर HCl के साथ आप इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जब इसको आप यहाँ गर्म करेंगे तो देखो होगा क्या कि आपको यहाँ पर 2 नाइट्रो प्रोपेन के 2 मोल लेने पड़ेंगे। जब यहाँ पर आप इसके 2 मोल लेंगे तो 2 तो आपको यहाँ प्राप्त होंगे क्या, कीटोन CH3CO CH3, ये आपको प्राप्त होगा जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एसीटोन, और IUPAC में इसको हम कहते हैं प्रोपेनोन। साथ में क्या देगा, साथ में यहाँ पर देगा क्या N2O, और साथ में यहाँ पर निकालेगा क्या जल का अणु H2O। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन थे वो तो दे रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन, और जो 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है वो देते हैं कीटोन लाइक एसीटोन। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्या, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जो होते हैं तृतीयक नाइट्रो एल्केन या 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, क्या ये क्या ध्यान रखोगे, ये जल अपघटित यानी हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन नहीं होता। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें जो अल्फा एच है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है।
तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की नाइट्रो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उनकी जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी रह गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।